साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी विज्ञान भवन में। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान, और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था, और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं। तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहाँ भाषण कीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। उस समय बात कर रहा तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहाँ बैठी भी हो मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफ़ी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया, उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा मैं, उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो बोले मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा, काफ़ी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश। वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बालवाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे फिर एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। Tier 2, Tier 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है, और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है, वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है।
भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है, और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं, 300-300, 400-400 की संख्या में है, और हर एक में एक से बढ़कर एक ना कुछ कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया, पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले, और वहाँ महाराष्ट्रीयन परिवारों से मेरा नाता जरा जाता था, तो गायकवाड़ी स्टेट है, तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई शादी तय करनी है तो घर में चर्चा क्या होती है, बोले मुला फाल छाना है, यानी बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या सरकारी नौकरियां है, बस तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात कर रहा था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है यार करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं, शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारे यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकी को तोड़ दिया है जी, और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है, और फिर जब देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पेटेंट्स फाइल किए हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो अभी तक वो पेटेंट के महत्व नहीं समझे हैं। मैं अभी भी मिल के आया, मैंने पहला ही पूछा, मैंने कहा पेटेंट हुआ गया, नहीं, बोले प्रोसेस में है। मेरा आप सबसे आग्रह है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है पता नहीं कौन कहाँ हाथ मार ले।
और देश ने कैसे इनकी हैंड होल्डिंग की है उसका एक और उदाहरण है जेम पोर्टल। यहां पर उसकी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। आज ये स्टार्टअप सिर्फ जेम पोर्टल पर ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पहुंचे और इतने कम समय में 20-22 साल की आयु के नौजवान 20,000 करोड़ का कारोबार कर ले एक प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत बड़ी बात है जी। साथियों, स्टार्टअप्स को देश के डिजिटल इंडिया अभियान से जो मदद मिली है, और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज ने इसे केस स्टडी के रूप में स्टडी करना चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स को यूपीआई से बहुत बड़ी मदद मिली है। भारत में ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार हुई हैं जिससे देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। और साथियों, आपको अंदाज नहीं है कि हम जहां है, हम रोजमर्रा की जिंदगी है तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन मैं G20 समिट के समय देखता था, हमने यहाँ एक बूथ लगाया था जहाँ पर अभी आपके एग्जीबिशन लगाए, वहाँ G20 समिट में, और वहाँ UPI कैसे काम करता है, हम 1-1 हज़ार रुपये देते थे ताकि उनको ट्रायल रन करने के लिए काम आए। हर एक एम्बेसी अपने टॉप मोस्ट लीडर को वहाँ ले जाने का आग्रह रखते हुए, जरा वहाँ देखें एक बार, यानी वहाँ लाइन लगी रही थी बड़े बड़े नेताओं की कि UPI है क्या, काम कैसे करता है, और उनके लिए बड़ा अजूबा था। हमारे यहाँ गांव में सब्जी वाला भी बड़े आराम से कर लेता है। साथियों, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बल मिला है, रूरल और अर्बन डिवाइड को देश कम कर पाया है, और दुनिया में शुरू में इसकी चिंता थी, जब डिजिटल प्रोग्रेस होने लगा तो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी इसके साथ जुड़ गई थी, सोशल डिवाइड की बात हो रही थी। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, और इसलिए हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली थियरी मेरे यहाँ चल नहीं सकती है, मेरे यहाँ सबके लिए सब कुछ है। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। इस ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता जी, ये पूरा एडिशनल बेनिफिट है देश को। हमारी बेटियां कटिंग एज इनोवेशन से देश की सौ समृद्धि की तरफ ले जा रही है जी। इनोवेशन का ये कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। भारत ने अपना ये विजन अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट किया है, इसी प्रिमाइसिस में G20 समिट हुई, विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए खड़े बैठे थे, और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो
2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसी भारत मंडपम में G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार स्टार्टअप्स को न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि उन्हें नेचुरल इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना गया। मैं जरूर कहूंगा कि आप G20 का ये डॉक्यूमेंट जरूर देखें आप, यानी किस लेवल पर हम चीज को ले गए हैं। अब हम AI टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है जी, ये दुनिया मान के चल रही है। अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है और मैं ये मुझे मैं भारी काफी मदद ले रहा हूं ये AI की आजकल, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं AI की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं। तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है। पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे, अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करें क्या, तो मैंने AI वाली मदद ले ली, मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी, अगर मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो AI की मदद से आप निकाल सकते हैं, मोदी के साथ मैं खड़ा हूँ। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। जरूर आया होगा मैं यहां से गुजरा हूं तो। साथियों, इसलिए भारत के यंग इनोवेटर्स के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए AI एक ऐसा क्षेत्र अनगिनत नए अवसर लेकर के आया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन, ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। अभी कुछ महीने पहले मुझे अमेरिका की संसद को संबोधित करने के लिए उन्होंने बुलाया था तो मैंने वहां AI की चर्चा की। तो मैंने कहा अब AI दुनिया का भविष्य तय करने के लिए सामर्थ्यवान बनता जा रहा है, तो जितनी वहां समझ थी उतने हिसाब से तालियां बजी। फिर मैंने कहा कि मेरा AI का मतलब है अमेरिका इंडिया। तो पूरा सभागृह खड़ा हो गया। साथियों, लेकिन ये तो मैंने वहां पॉलिटिकल संदर्भ में कहा, लेकिन आज मैं जरूर मानता हूं कि AI की आज सामर्थ्य इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना भी चाहिए। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशंस की भावना, मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर
जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेगा। मैं पिछले दिनों को एक प्रयोग करता रहता हूँ, मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हैकाथॉन करवाता हूँ। 30-40 घंटे ये बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हैकाथॉन करते हैं, मिक्स टीम बनती है, जैसे मानो सिंगापुर इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हैकाथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूँ, यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ? बोले साहब जमेंगे नहीं लेकिन सीखेंगे। तो दोस्तों, भारत में जो इनोवेशन ट्राइड और टेस्टेड होगा वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमारे यहां सब नमूने हैं। यहां रेगिस्तान भी मिलेगा, यहां बाढ़ वाला इलाके भी मिलेगा, यहां पर मीडियम पानी वाला भी, यानी हर प्रकार की चीज आपको एक ही जगह पर सब मौजूद है जी। और इसलिए यहां जो सक्सेस हुआ वो दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है। आज जो स्टार्टअप सफल हो रहे हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपके आइडिया पर किसी ने भरोसा किया है तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तो था जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेंटर के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने 10 टिंकरिंग लैब ले लिए, जाएंगे उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडिया उनके आइडिया चर्चा करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर पर जाएंगे, एक घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिलकर के उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को एक सक्सेस स्टोरी है, उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है, आपने खुद को साबित किया है। अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम आपके साथ है। मैं यहां दो और भी बात कहना चाहता हूं। ये जो मैं सरकार में काम करता हूं, थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, मीडिया में नहीं जानी चाहिए। मैंने सरकार में एक बार कहा आकर के, नया नया यहाँ आया था दिल्ली, यहाँ का कल्चर का ज़्यादा पता नहीं था मुझे, मैं बाहर का व्यक्ति था। मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ऐसा करो भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, तुम लोग कोशिश कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसे आइडेंटिफाई करो। और मैं देश के नौजवानों को ये प्रॉब्लम दूंगा, उनको कहूंगा हैकाथॉन करो और इसका मुझे सॉल्यूशन दो। तो खैर, हमारे बाबू लोग तो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो साहब उसको जरूरत नहीं, हमारा 20-20 साल का अनुभव। अरे मैंने कहा यार भी क्या जाता है। शुरू में मुझे बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ अटका हुआ है, हमारे यहाँ कुछ लटका हुआ है, हमारे यहाँ रुका हुआ, कोई कहे मारे सब कहने नहीं साहब सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे मैंने कहा भाई बढ़िया चल रहा है तो भी तो दो वैल्यूएशन होगा, अच्छा नहीं होगा तो वो देखे करके क्या बढ़िया है, जाने दो ना बाहर। खैर बड़ी मुश्किल से सब डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं बहुत पीछे पड़ गया तो निकाल निकाल करके दिया कि साहब ये एक समस्या है ये, तो टोटल लगाया तो करीब 400 निकली। अब वो तो
शायद मुझे लगता है 0.1% भी नहीं बताया होगा। मैंने देश के नौजवानों का हैकाथन किया और उनको समस्याएं दे दी। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन लेके आओ। आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने बढ़िया सॉल्यूशन दिए उन्होंने, वे आउट दिए उन्होंने, और करीब 70-80% आइडियाज उन बच्चों के सरकार ने अडॉप्ट कर लिए। फिर स्थिति ये बनी कि हमारे डिपार्टमेंट मुझे पूछने लगे, साहब इस साल हैकाथॉन कब होगा? क्योंकि उनको लगा कि भाई ये सॉल्यूशन तो यहीं पर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके पास जब मिलते हैं बच्चे, बैठते हैं, बहुत चीजें निकाल के लाते हैं, और ये 18-20-22 साल के नौजवान हैं जी। मैं कहूँगा ये जो हमारे बिजनेस के जो CII है, फीकी है, SOCHM है, मैं उनको कहता हूँ कि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वे ये स्टार्टअप वालों का हैकाथॉन करें और उनको प्रॉब्लम दे। मैं पक्का मानता हूं ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ला करके देंगे आपको। उसी प्रकार से मैं MSMEs के लोगों को कहूंगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स निकालिए। टेक्निकल हर्डल्स होंगे, समय बहुत ज्यादा होगा, स्मूथनेस नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता होगा, बहुत सी चीजें होंगी। आप देश के स्टूडेंट्स के पास जाइए, उनका हैकेथन आप ऑर्गेनाइज, MSMEs के लोग खुद और सरकार को कहीं मत में रखिए। हम ये दो एरिया में अगर मेहनत शुरू करें तो देश की यंग टैलेंट हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान देंगे और हमारी यंग टैलेंट को इसमें से आइडिया मिलेगा कि हाँ ये भी क्षेत्र है जहां मैं काम कर सकता हूं। हमें इस स्थिति में जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि स्टार्टअप महाकुंभ में से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलने चाहिए। उन एक्शनेबल पॉइंट्स को लेकर के हम आगे चले और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये 1.5-2 महीने में जरा और काम में व्यस्त हूं, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, नए स्टार्टअप बनाए, खुद की भी मदद करें, दूसरों की मदद करें, आप इनोवेशन जारी रखें, इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। आपके एस्पिरेशंस ही भारत के एस्पिरेशंस है। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवान की है, आपकी है। अब भारत को, और मैंने दुनिया हिंदुस्तान को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं जी।